अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं ठीक। तो गुड इवनिंग हो रहा है अभी। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है शाम से, तो शाम को चाय नाश्ता बना रही थी मैं। तो जी यहाँ पर बन रहे हैं प्याज के और बेसन के पकौड़े। तो मैंने बस बेसन के अंदर प्याज ऐड करी है, हल्की सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया ऐड करके बेसन घोल लिया था। और मैं बना रही हूँ सिंपल से पकौड़े, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जो है बारिश हो रही थी, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो बच्चों ने सोचा, बच्चों ने बोला मम्मा आज को स्पेशल खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, स्पेशल कर देते हैं। और वैसे भी कल से इनायत के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया है। तो ये आसू जी मठियाँ लेकर आए थे, बहुत यमी होती हैं ये मठियाँ जो हैं, तो वो लेकर आए थे। मठी मठी है, मैंने पापड़ तल लिए थे और ये रहे पकौड़े। अच्छा बताए, इतने सबके बावजूद भी बच्चों को जो है ना बटर ब्रेड ज़रूर ही खाना होता है। बुलबुल जो है वो नहीं आई थी, बारिश हो रही थी, तो मैंने बुलबुल के लिए, मैंने आसमें सबके लिए पकौड़े जो है ना घर पर दिखा दिए। तो अभी हम यहाँ पर खोल के बैठे हैं बूट पॉलिश की दुकान। तो मैं यहाँ पर इनायत के बूट पॉलिश कर रही थी, तो इनायत ने कहा मम्मा मैं आपका वीडियो शूट कर लूँ। मैंने कहा चलो जी कर लो, मैं कर लेती हूँ फटाफट से तैयारियाँ। मैं रात को ही सारी चीज़ें उसकी प्रिपेयर करके रख देती हूँ। हालाँकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि इनायत का स्कूल जो है वो 8 बजे का है, लेकिन मैं उठती हूँ 5 बजे। अच्छा यहाँ पर मैं अपने बूट पॉलिश, सॉरी मैं ना इनायत के बूट पॉलिश करती थी। इनायत ने कहा मम्मा आपने तो बिल्कुल चमका दी। मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी वाली पॉलिश, जो शू शाइनर होता है ना, मैंने वो मंगवाया था। बट आसिफ जी लिया पुराने ज़माने की पॉलिश और बूट ब्रश, तो मैं उनको ये दिखाई थी कि अच्छा जी बताना मेरे चेहरा ज़्यादा चमक रहा है या शूज़। तो उन्होंने कहा तो शूज़ ज़्यादा चमक रहा है। तो मैं कहती अच्छा शूज़ ज़्यादा चमक रहा है, तो कहते अब यार तूने इतने अच्छे से इसको चमकाया है तो चमकेगा ही ना। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये मेरी तारीफ़ थी या मेरी ब्रेड। तो बस इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है ना चलती रहती है। हंसी मजाक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। गम तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हंसना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ सज रहे हैं, सवर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आसिफ जी के लिए बनाया था मड मास्क, यानी कि मैंने बनाया था मुल्तानी मिट्टी वाला पैक। आसिफ जी की स्किन थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आपके ये पैक लगा देती हूँ। तो ये है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, और इसके अंदर हमने गुलाब जल ऐड करा और 1 चम्मच बेसन ऐड करा है। तो ये मैं उनको रात में लगाया था, तो स्किन एक तो फेयर भी बहुत हो गई थी, ऊपर से टाइटनेस बहुत अच्छे से आ जाती है, तो जो स्किन लूज़ हो रही है वो अधिक। और यहाँ पर ये अल्फिया को आना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी अपनी चटर मटर भुन रही है और यहाँ हमारी भुन रही है। अच्छा इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड को तैयार करती रहती हूँ और वो मुझे करते रहते हैं, हमारी लाइफ ऐसे ही बीतती रहती है। मुझे आसिफ जी को पैम्परिंग करना बहुत अच्छा लगता है भाई, जब बंदा मेरे लिए इतना करता है तो मेरा क्यों नहीं वो हक बनता। अच्छा अभी तो फ़िलहाल मैं उनको लगा दूंगी, उसके बाद फिर ये पैक मैं अपने भी लगाऊंगी। तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, आप लोग भी यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका निकलता है। वीक में अगर 2 बार लगा लेंगे तो अच्छा रहता है, और वैसे भी इस टाइम पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा वाला पैक मिल जाता है आपको। और यहाँ पर मैं उनसे पता नहीं क्या डिस्कस कर रही थी, हाँ बकरीद को लेकर ही हमारी डिस्कशन चल रही थी। और आप बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, काफ़ी मेरे पास सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको बताऊंगी कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रह रही है, आपको क्या हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से बताऊँगी। फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल हम ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। और सुबह है मंडे, और इनायत के जो स्कूल है वो 4 तारीख से यानी कि 4 तारीख से खुल रहे हैं। तो बस सुबह की भी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस है और शूज़ पॉलिश करा दिया। अच्छा यूनिफॉर्म प्रेस करने में मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी गंदी वाली प्रेस करती हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े उनको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुरा काम जो करती हूँ ना बस वही प्रेस का करती हूँ, ये प्रेस मेरे से नहीं होती है, तो मुझे आती भी नहीं अच्छे से प्रेस करना। तो मैं इनायत की यूनिफॉर्म, आसिफ जी के जो ऐसे इस तरीके के कपड़े होते हैं वो मैं बाहर से ही प्रेस करा के हैंगर में टांग देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपना पूरा काम कर रखा है और सारा मेरी सिचुएशन पूरी हो चुकी है, अब हम सो जाएंगे और मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी मॉर्निंग। तो जी आप देख सकते हैं 6:30 बज चुके हैं। अच्छा मैं उठती हूँ 5 बजे, 5:15 बजे मैं उठ जाती हूँ, अलार्म लगा के सोती हूँ, क्योंकि मुझे अपना मोटर भरनी होती है, टंकी पूरा भरनी होती है, क्योंकि सुबह में पानी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और इनायतों के लिए। और सब्ज़ी जो है वो मैंने अंडे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मैं आलू टमाटर की, तो इनायत को ये सब्ज़ी बहुत पसंद, स्पेशली
लेके बनवाई थी कि मम्मा आप ना वो रस्से वाली सब्ज़ी बनाना, मतलब तरी वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा इसके अंदर आसिफ जी को एग डाल दो तो वो बहुत पसंद आता है, तो मैं उनके लिए एग डाल देती हूँ और बच्चों के लिए ऐसे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नमाज़ कुरान सब पढ़ के फिर मैंने 6:30 बजे इनायत को उठा दिया था। मैंने कहा बेटा अब आप उठ जाओ क्योंकि इनायत को फिर अपना तैयार, तो खैर मैं ही करती हूँ अभी, मैंने उसको तैयार होना सिखाया नहीं है। हालांकि आप लोगों ने मुझे बोला था कि इनायत इतनी बड़ी है वो अपने काम खुद कर सकती है। हाँ वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकती है, बट मुझे अच्छा लगता है उसका काम थोड़ा सा करना। हालांकि मुझे गुस्सा भी कई बार आ जाता है, मैं डांट देती हूँ, बट फिर भी वो मैं उसको धीरे धीरे अभी सिखा रही हूँ क्योंकि इनायत अब खैर से 8 साल की पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल और आसिफ जी का लंच बॉक्स रात में ही सब धो के यहाँ रख देती हूँ ताकि उनका पानी वगैरह सब निकल जाता है और सुबह स्मेल वगैरह भी निकल जाती है। तो इस वजह से मेरा सब बच्चों के, दोनों बच्चों की वाटर बॉटल और लंच बॉक्स और आसिफ जी का लंच बॉक्स धुल के रख जाता है। यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया था। अब मैं बनाऊंगी एक चपाती इनायत के लिए क्योंकि वो बस एक ही खा पाती है, उसकी खाने की जो स्पीड है ना वो बहुत कम है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, एक फ्रूट रखूँगी और एक रखूँगी रोटी और थोड़ी सी रखूँगी सब्ज़ी। इनायत का टिफ़िन बॉक्स भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे और डन हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था मैंने एक बनाई है रोटी, उसके ऊपर हल्का सा मैंने घी लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर फॉइल पेपर से, फॉइल तो नहीं है, फॉइल मिक्स बटर पेपर है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि फॉइल पेपर में ग्रिप होती है, इसके अंदर ग्रिप नहीं है। वैसे आप इसे यूज़ कर सकते, बट मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैं नेक्स्ट मंथ जाके जो है ना वो बटर पेपर नहीं फॉइल पेपर ही लेकर आने वाली हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करने की पूरी नाकाम कोशिश करती हुई अब मैं इसको टिफिन में डाल दूंगी और इनायत का लंच बॉक्स तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। अब मैं चाय बन चुकी थी तो मैं बस टिफ़िन ही लगा रही थी, तो टिफ़िन के अंदर मैं एक रोटी डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनायत जो है बहुत स्लोली स्लोली खाती है, तो इस वजह से मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं रख पाती, 2 रोटियाँ तो वो कभी नहीं खा पाती है, उसकी हेल्थ ही बस दिखती है, वरना खाने पीने में इतना ज़्यादा वो नहीं। हाँ उसको कुछ कुछ टाइम में थोड़ा थोड़ा खाने की आदत है, बाकी इकट्ठा बैठ के वो बहुत सारा खाना नहीं खा सकती। खाना क्या कोई भी चीज़ वो बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी रख दी है और मैं यहाँ पर बिना तरी के सब्ज़ी रखूँगी, बस थोड़ा सा ही आलू डालूंगी, तरी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि फिर वो गिर जाती है और बच्चों के जो टिफ़िन होते हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, मतलब लंच बॉक्सेस बैग वगैरह। अच्छा इनायत के स्कूल में मैडम ने बोल रखा है कि इसको एक छोटा सा दस्तरखान या मैट कुछ दीजिए बेंच के ऊपर, डायरेक्ट टिफ़िन नहीं रखते हैं, लंच बॉक्सेस नहीं रखे जाते, या तो न्यूज़पेपर या फिर कोई शीट ऐसे रख के दें। तो मैंने ये एक छोटा सा उसको दस्तरखान काट के बना के दिया है, वो इनायत रख के रखे और अपना लंच फिनिश करती है, फिर उसके बाद उसको टिशू से साफ़ करके और अपने बैग में रख लेती है। वीक में एक दिन निकालती है तो मैं उसको संडे को उसको धो के उसको रख देती हूँ तो वो पूरा वीक चल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एप्पल रखा है, ग्रीन एप्पल लेकर आए थे आसिफ जी, तो ये भी अच्छा है, टेस्टी था, उसको पसंद आया। तो बस यहाँ पर एक फ्रूट रखना ज़रूरी होता है क्योंकि स्कूल में एक फ्री पीरियड होता है जिसमें बच्चों को फ्रूट खाना होता है, तो बस यहाँ पर मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। अच्छा बिना स्कूल चली गई हैं, यहाँ पर मेरे ऑर्डर हो गई थी फार्मेसी से दवाइयाँ, तो मैं बस वही अभी खोल रही थी, अनपैक कर रही थी। तो आज आसिफ जी ने मेरे लिए दवाइयों के साथ साथ मेरा फेस वॉश भी यूज़ मतलब ऑर्डर करा था क्योंकि वो ख़त्म होने वाला था। मेरा फेस वॉश ना पता गिर गया था, पता नहीं क्या हो गया था, जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी क्योंकि ईद वाले दिन ही लेकर आए थे ये मीठी ईद पे, और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, जबकि मैं इतनी जल्दी ख़त्म करने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुत चीज़ों को संभाल संभाल के चलाती हूँ। तो और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत बढ़िया ये फेस वॉश है। तो हमने जब ये ऑनलाइन लिया तो थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ा, वैसे शॉप से ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया था, आई थिंक 300 का कुछ था, अभी कितने का है ये मुझे नहीं पता, मैंने बिल नहीं देखा और हस्बैंड से बोल पूछो ना वो मुझे कुछ बताते भी नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना अपने ऊपर दिमाग पे जोर नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर मेरी मेडिसिन आ चुकी है शुगर की और विटामिन सी डी जो होता है वो होगी, क्योंकि मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द हो जाता है, अकड़ जाते हैं, तो ये मेडिसिन मैं दिन में एक बार लेती हूँ और इससे मेरे जो घुटने का दर्द है वो काफ़ी रिलीव मिलता है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी OD+, तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी शुगर की मेरे ये 4 पत्ते लगते ही लगते हैं तो मेरे पूरे मन में चल जाते हैं, मैं दिन में 3 बार ये टैबलेट लेती हूँ।
तो यहाँ पर बस शुगर भी मेंटेन करने की कोशिश, और बाकी मैं आयुर्वेदिक का जो मैंने आपको बताया था ना चूर्ण, वो भी लेती हूँ। अभी मैं दूसरा एक चीज़ और शुरू करने वाली हूँ शुगर के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी शुगर मेंटेन रखने के लिए। अभी तो फिलहाल मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही। हाँ मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि शुगर मेंटेन कर ले, उसके बाद देखते तेरे बीपी का क्या करना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी रेट, आई थिंक 385 या समथिंग कुछ ऐसा ही एक मेरा पता होता है पूरा। तो ये चार आते हैं, तो फार्मेसी से इजीली ऑर्डर हो जाता है और मिल भी जाती हैं जल्दी दवाइयाँ, 24 आवर्स से पहले पहले ही मुझे मिल जाती हैं। तो बस, और यहाँ पर अब मैं अपने घर का पूरा काम वाम कर चुकी हूँ, घर का सारा झाड़ू पोछा हो गया। तो अब बारी आती है इनायत को स्कूल से लेने की, तो 1:15 बजे मैं घर से निकलती हूँ और 10 मिनट की स्कूल की दूरी है, ज़्यादा भी नहीं। हाँ अगर रिक्शा लेट हो जाता है, रिक्शे के चक्कर में लेट होती हूँ, क्योंकि स्कूल जो है ना वो अंदर को जाके है, तो इस वजह से लेट आ जाती है। तो इनायत को हम स्कूल से ले आए थे, अब बारी आ जाती है शाम के चाय नाश्ते की। तो मैंने और बुलबुल ने तो चाय नाश्ता कर लिया था, ये थी मेनाज की बारी। तो मेनाज के लिए मैंने बनाई थी कॉफ़ी, उसको मेरे हाथ की पीनी थी कॉफ़ी, और ये डाइजेस्टिव बिस्किट थे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा मेनाज को दे देती हूँ। तो बस ये कॉफ़ी वगैरह हो गई है, इसके बाद आ जाती है आइसक्रीम की बारी। आसू जी लेकर आए थे आइसक्रीम, तो बस यहाँ पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये वो, मतलब शाम के चाय नाश्ते में मेनाज और बुलबुल आई हुई हैं, मज़ेदार सी बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रही है हमारी, और अच्छा टाइम कट रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बुलबुल है तो अभी खुश मिजाजी चल रही है, यहाँ पर बुलबुल भी अभी आप लोगों को दिखेंगे कि बुलबुल बाजी कितना हंसी मजाक करते, मतलब बुलबुल का ना कुछ कहना ही नहीं। आप यहाँ देखिए और कितनी अच्छे से बात हो रही थी, तो पता नहीं कौन सी बात चल रही थी, बट बहुत हंसी मजाक चल रहा था। और ये बुलबुल ना बहुत रिएक्ट करती भी है कुछ भी बात पे, ना ज़्यादा ओवर करती भी है। और अभी ना खा के भी उठी, आप भी अपना कैमरा थोड़ा सा उधर कर लेना, मैं खाना बहुत सोफिस्टिकेशन तरीके से खाऊंगी। तो आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, कुल्फी फ्लेवर है, रबड़ी फ्लेवर है, मेरा फेवरेट फ्लेवर है, बट मैं मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाती, कभी कभार ही एक आध चम्मच खा लिया तो मेरे लिए काफ़ी है। तो चलो जी, इसी वीडियो को मैं करूँगी एंड, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।